नमस्कार दोस्तों, हम सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बी आर एजुकेशन में। आज है 13 जनवरी, तो 13 जनवरी के सभी शैक्षणिक समाचार हम इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्कूल कॉलेजों व कोचिंग संस्थानों को खोलने की कवायद शुरू, बिना मास्क नहीं दी जाएगी एंट्री, गाइडलाइन की पालना जरूरी। अनलॉक स्कूल, विद्यार्थी को घर से लाना होगा पानी। प्रतीक्षा से बाहर आई नौकरी, सरकार का यूथ डे स्पेशल, 3489 युवाओं को मिली नौकरी। प्रार्थना सभा, खेल पर रहेगा प्रतिबंध, मास्क एवं आवश्यक दूरी की पालना करनी होगी। प्रमोट कार्ड जारी करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, रीट के होम साइंस वालों को भी अनुमति देने की मांग की। तृतीय सूची में 490 पदों पर मिले आरक्षण, रीट 2018। अध्यापक लेवल द्वितीय में 2565 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी। मेडिकल हेल्थ ऑफिसर के 476 पदों पर निकली भर्ती। प्राध्यापक परीक्षा उत्तर कुंजियों पर आपत्ति, आज से 580 पदों पर निकाली है भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम भर्ती 2021 विशेषज्ञ ग्रेड 2 पदों के लिए मौका। धार्मिक शिक्षक के 194 पदों के लिए निकली है भर्ती। विशेषज्ञ ग्रेड 2 जूनियर स्केल पदों के लिए मौका। रीट 2021 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, कर सकते हो आप। कई अभिभावक अब भी नहीं भेजना चाहते बच्चों को स्कूल। स्कूल खुले तो कहाँ बैठेंगे बच्चे, 5000 स्कूलों में कमरे नहीं। 2 साल में 8 बार आचार संहिता, युवाओं से टूट रही नौकरी की डोर। ये चलते नेक्स्ट खबर आपके लिए। यहाँ पर शिक्षिकाओं ने की सरकार से फोन में सिम की मांग। ये एग्जाम गाइड, आज की तबादलाओं की मांग को लेकर चल रहा है वरिष्ठ शिक्षकों का धरना समाप्त। राजस्थान बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 15 मई से 15 जून के बीच होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट खबर आपके लिए। यहाँ पर थोड़ी PDF में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। सरकार ने जवाब के लिए मांगा समय, करियर डे पर हुई ऑनलाइन परिचर्चा। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 में आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी। व्हाट्सएप नहीं लेगा आपका डाटा, स्कूली बच्चों को याद आ रहे हैं स्कूल टीचर और दोस्त। रेलवे भर्ती बोर्ड ने शुरू की परीक्षाएं, रैंकिंग की संभावना के चलते मेडिकल कॉलेज प्रशासन अलर्ट। DLED परीक्षा टाइम टेबल में संशोधन। पुलिस विश्वविद्यालय मणिपाल यूनिवर्सिटी के बीच करार, शैक्षणिक नवाचारों में साझा भागीदारी रहेगी। तबादलों की मांग को लेकर चल रहा है वरिष्ठ शिक्षकों का धरना समाप्त। 18 से खुलेंगे तकनीकी शिक्षण संस्थान, रखना होगा हेल्थ प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 15 साल बने सेवा नियम, पदोन्नति के नियमों पर SC की लगी मोहर। कृषि अधिकारी परीक्षा के प्रवेश पत्र अपलोड, पूरक परीक्षा के आवेदन शुरू। रीट 2021 व NCET की गाइडलाइन की को हाईकोर्ट में चुनौती। रीट रिटर्न भरने की अंतिम तिथि आगे नहीं बढ़ेगी, वित्त मंत्रालय। स्कूली समय परिवर्तन को लेकर शिक्षकों में रोष। तीसरी बार बढ़ाई परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि। स्कूल व्याख्याता को DPC 18 से। जिले के सभी विद्यालयों को पैरामीटर्स के आधार पर सतत निरीक्षण करने तथा शैक्षण उन्नयन हेतु कार्य योजना बनाते हुए प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश। 10वीं पास के लिए निकली सरकारी नौकरियां, तुरंत करें अप्लाई। अभ्यर्थी तीन लाख रुपये वसूल कर बिहार से एग्जाम दिलवाने बुलाते थे नकली अभ्यर्थी गैंग का साथी ठग गिरफ्तार। जूनियर कमांडर ऑफिसर की भर्ती है। प्रथम राज्य बीमा कटौती की हार्ड कॉपी करानी होगी जमा। छात्रावासों में विद्यालयों के लिए 6.63 करोड़ की लागत से डिजिटल नर्स लर्निंग डिवाइस खरीदेगी सरकार। धौलपुर के शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन। टेलीग्राम से फिर उड़ाया व्हाट्सएप का मजाक टेलीग्राम ने। कांस्टेबल के 7000 से ज़्यादा पद खाली, हरियाणा कर्मचारी बोर्ड। तत्व सैनिक शिक्षकों के तबादले करने और वरिष्ठ अध्यापकों की सूची जारी करने की मांग को लेकर रजिस्ट्रार ने किया प्रदर्शन। मई से शुरू होगी बोर्ड की परीक्षाएं। व्हाट्सएप ने दूर की चिंता, संदेशों की गोपनीयता पर असर नहीं। स्कूल खुलने पर नियमों की कड़ाई से पालना है, SDM तलानिया। 2013-16-18 के शिक्षकों के स्थायीकरण के आदेश जारी। PO की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में होंगे UCO। सिविल सेवा के अवसरों को 30 जनवरी तक देनी होगी संपत्ति की जानकारी। आज के समाचार यहीं समाप्त है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।